मैं आ जाता है। ये साड़ी ताल है श्री अकाल तख्त साहब, साड़ा खंडा है सारयां दी चरण तोड़ बनना, और उस खंडे नू चलाण दा बल है वाहेगुरु मंत्र दा जाप करना। फिर एक खोज अंदर दी चल पैंदी। बड़े महान बोल सतगुरु जी ने अपनी बाणी च आखे ने, कहने खोजत संत फिरे प्रभ प्राण आधारे राम। जेड़ा साडे जीवन दा आसरा है, नाम भी प्रभु दा साडा आसरा है, और प्रभु दे चरण पकड़ना भी नाम जपना है। मैं अर्ज करा, इसलिए नाम नू चरण भी कहा जाता है। घर घर प्रणाम चित चरण नाम, गुरु गोबिंद सिंह जी दे बोल। नाम आसरा रूप विच है। यह जिहड़ा साडा भारी भरकम शरीर है ना, अस्थूल शरीर, साढ़े त्रै मन देहोरी, इस शरीर का आसरा साढ़े पैर हैगे ने, चरण हैगे ने। इन्हां करके शरीर चलता है, हत्थां करके नहीं चलता, मूँह मत्थे करके नहीं चलता। सारा शरीर चाहिदा है, पर चलन वास्ते एक थान तो दूजे थान जाण वास्ते। हुण मैं सतगुरु जी दी ताबिया विच आ के बैठा हाँ, तो पैरां नाल चल के आया ना। तुसी श्री सचखंड अस्थान दरबार साहब मत्था टेक के इत्थे मंजी साहब आ के बैठे हो, तो पैरां नाल चल के आए हो। जिथे कार रुक जाती है, जहाज चों भी उतार दिता जाता, फिर पैरां नाल अगे चलीदा। ये साडा भार चुकण वाले ने, साडे शरीर का आसरा ने। ते नाम नू चरण आख्या गया, होर कोई ये चरण हड मास दे चरण नहीं है। बई लहू विच इन्हां दे खून चलदा, नसा ने ना खून ने, ये चरण ने। गुर के चरण उपर मेरे माथे, गुर चरण लाग हम बिनवत्ता। इन्हां सोचना हथ पैर वांगे लहू मास हड्डियां दे मास दे चरण ने, यह प्रतीक रूप विच है। नाम नू जीवन का आसरा बना लेना, प्राणा का आसरा है ही नाम, इसलिए नाम नू गुरु दे चरण आख्या जा। इस दे आसरे ते चलना है। बड़े महाबोल ने, खोजत संत फिर है प्रभ प्राण आधारे राम, तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम। ते जे मिलाप ना होवे ते सब कुछ मुक जांदा, सारा तान सारा बल खीन हो जांदा। जे बल मुक भी जावे, असीं ये धारना पढ़दे होने आ कदी कदी, वी सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। बेशक तन खीन हो जाए, कमजोर हो जाए, बल मुक जाए, हे प्रभु मैनू तेरा मेल चाहिदा है। तेरे मेल तो बिना ते तन है ही नितान, कख भी नहीं। इसका कोई तान नहीं है, इसका कोई बल नहीं, कोई समर्था नहीं है। आओ इन्हां पावन पंक्तियां दा पाठ लड़ीवार रूप च सरवण करिए, ते अखरी अर्थ सरवण करिए। पिछर इक दफा सारे जने गुरु रामदास साहिब जीआं दे चरण अपनी रसना ते पवाउंदिआं होइआं आखो, धन गुरु रामदास जी महाराज। एक दफा फिर सारे आखो जी, धन गुरु रामदास जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, बिहागड़ा महला पंजवा। ये धन धन गुरु अर्जन देव साहिब जिया ने बचन बिहागड़े राग विच साड़ी झोली विच पाया है। संगीतकार संगीत नू समझण वाले सियाने सज्जन जानदे ने, ये बिलावल थाट दा राग है बिहागड़ा। बिहाग राग विच कोमल निषाद लग जाए ते ये बिहाग तो ही बिहागड़ा बन जाता है। बिहाग दा अर्थ है वह समा जदों आसमान विच अग्नि वांगू बलदी हुई लो प्रतीत होवे, भाव दिन दा चढ़ा, सूरज दी टिक्की जद निकलदी है, उस तो थोड़ा जिहा समा पहले आकाश विच लाली आ जांदी। बेहाग
बिहाग आकाश विच जद अग दी तरह लाली आती है और उस तो उस विच थोड़ा जिहा परिवर्तन आता है, कोमल निषाद लग जाए तो फिर यह बिहागड़ा राग बन जाता। बिलावल थाट का यह राग है, संगीतकार इस गल नूं जानदे ने और इस बिहागड़े दे गाउण दा समा अद्धी रात दा संगीतकारां ने मन्निया है और संगीत नूं समझण वाले लोग इस गल नूं जानदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे मुबारक 545-46 नंबर अंग ते ए पावन शब्द दर्ज है, सुभायमान है, सरवण करिए जी। हाँ जी, खोजत संत फिरहे वाह प्रभ प्राण आधारे राम। उंज ते सारा जगत ही फिरदा रहिंदा खोज करन लई, कारोबार दी, कम कार दी, धन दी, होर वस्तुआं दी, जगत फिरदा रहिंदा। पर जेड़े भगत जन ने ना वो अपने अंदरों परमात्म खोज करते ने, अपने मन की खोज करते ने। इस मन को कोई खोज हो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। आप आखोगे धरती नूं खोजण वास्ते खुदाई करन लई हथियार हैगे ने, बेलचा है, कही है, खुरपे आदक मौजूद ने। पत्थरां दी पहाड़ां दी खोज करन वर्गे अपने हथियार ने, सागरां विच पनडुब्बियां मौजूद ने, आकाश विच तरह तरह दे मैं अर्ज करां ग्रह छड़े हुए उपग्रह मौजूद ने, रॉकेट ते बैठ के लोकी जांदे ने। चंद्रमे दी खोज हुई, हुण मार्स ते भी पहुँच गया और भारत भी मारस ते जा पहुंचया, साडा देश भी, बड़ी प्रसन्नता दी गल है। और बड़े सस्ते मुल विच पहुंचया, बड़ा थोड़ा पैसा खर्च करके पहुंचया। एक खोज चलती है, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट ने खोज करन दे। आकाश दी खोज दे होर ने, सागर दी खोज दे होर ने, पहाड़ां दी खोज दे होर ने और इत्थे धरती दी खोज दे इंस्ट्रूमेंट होर ने, शस्त्र अस्त्र होर ने, टूल होर ने। जे कोई मन नूं खोजना चाहे तो टूल केड़े ने, मैं अर्ज करा बहुते नहीं हैगे, 10-15 नहीं हैगे, 50-100 नहीं हैगे। कितने शस्त्र ने, कितने टूल ने, मैं अर्ज करा एको ही है, जप हो तो एको नामा अवर निराफल कामा। अमृत वेले जाग के वाहेगुरु 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 दा जप करना, इस नाल मन दी खोज प्रारंभ हो जाती है। कोई करके देखे, साडी समस्या है असी करदे नहीं। चलो जिन्ने तुसी बैठे हो ना, सारियां दी जेब विच पैसे होण गए, थोड़े होण, बहुते होण, मैनू नहीं पता, किसे दी च शायद ना भी होण, पर थोड़े चो जितने बैठे ने बहुतियां दी जेब च मोबाइल जरूर हैगा है, फोन जरूर हैगा, मेरे कोल भी है, थोड़े कोल भी है। ते असी सवेरे उठ के की करदे हां, जदों इहदी बैटरी डाउन हो जांदी है ना, फिर गलबात नहीं हो सकदी, फिर कोल पिया होया भार तो सिवाए होर कख नहीं होंदा। इहदी बैटरी चार्ज करदे हां, फुल बैटरी चार्ज करते ने लोग, जल्दी आती है, एक दो सैल करते हैं पर चार्ज जरूर करते ने। मैं अर्ज करना चाहता हाँ, सवेरे उठ के अपने आत्मक जीवन की खोज करने वास्ते भी अपनी आत्मक बैटरी नूं भी चार्ज करना होंदा है। और चार्जिंग मिलती है वाहेगुरु मंत्र दे जाप नाल, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। समा मैं निर्धारित नहीं करता, 15-20 मिनट, अद्धा घंटा करो, फिर समा जे रस बनेगा गुरु आपे वधा ले, पर इतना जरूर करो, इहदे नाल साडा आत्मक जीवन रिचार्ज हो जांदा, सानूं शक्ति मिल जाती है और सारी खेड फिर अपने आप वरती हुई दिखाई पैंदी है। इसलिए संत जनां ने अपने प्राणा दे आसरे परमात्मा की खोज की है,
अपने आप की खोज की है। तान तन खीन भया बिन मिलत प्यारे राम। बहुत सारे ये दो अर्थ ने, मैं अर्ज करा। एक तो तपस्या करद्या करद्या कई तन कमजोर भी हो गया, भोजन भी छड़ दिता या बड़ा थोड़ा ही हो गया, शरीर का तान भी घट गया, चलना फिरना भी कई औखा हो गया। जिमें भरथरी कहता है, तन के बल ने अब पीठ दई और हार चले दृग बाल संगाती। छुड़ गए सारे, तन का बल भी जाता रहा, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, तन भी खीण हो जाता है। मैं अर्ज करना चाहना, ठीक है बहुत साधना की ते तां भी तन कमजोर हो गया, पर हुण हे प्रभु तन कमजोर भी हो जाए, निर्बल भी हो जाए, तन चला भी जाए, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। भगत जी दे बोल ने, शरीर चला भी जावे, हे प्रभु मैं तेरे नाम रूपी चरणा नू नहीं छड़ांगा, मैं तेरे चरणा नाल जुड़न दा यतन करदा रहांगा। तन तन तान तन खीन भया बिन मिलत प्यारे राम। एक बेनती आप जी दे चरणा ते शीस रखद्या होया निम्रता सहित होर करनी चाहता, बई तन ऐसा कोई नहीं है जेड़ा कमजोर नहीं होवेगा, सब दा ही होवेगा। भावें कोई बबर शेर होवे, वड्डा मैमथ हाथी होवे, तन उसका भी कमजोर हो जाएगा। कीड़े मकौड़िया का सब का तन, दरख्तों का इमारतों का भी तन कमजोर हो जाता। आखिर समय के अंतराल नाल किले वड्डे वड्डे खत्म हो जाते, धरती का भी तन खीण हो जाएगा, साडा भी तन खीण हो जाएगा। तो जे तन ने खीण होना ही है तो क्यों ना नाम जपद्या खीण हो जाए। चंगी गल है, नाम जपद्या खीण होवे ते वडभाग है, सुभाग है। परमात्मा दे प्रेम विच खीण होवे ता वडभाग सुभाग है, बिना मिलिया ते खीण होना ही है। जे मिल के खीण हो जाए ता फिर साडा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभ मिलहु प्यारी मया तारे। हे प्रभु तू मेर कर, मैनू मिल दया करके। कर दया लड़ लाए लीजिए। मेरे कोल समर्था नहीं है मैं तेरा पल्ला भी पकड़ सकां, तू मेर करके दया करके मैनू अपने पल्ले लगा ले। दिहि नाम अपना जपो स्वामी, हर दर्श पेखे जीजिए। मैं तेरा दर्शन करा, ए महान जीवन मैनू प्राप्त होवे। अपना नाम मेरी झोली विच पा, नाम दी दात मैनू प्रदान कर। समरथ पूरन सदा निचल, ऊच अगम अपारे। हे प्रभु तू समरथ है, सारे तरह दा बल तेरे विच मौजूद है, ज्ञान विज्ञान तन समरथा हर तरह दी तेरे विच मौजूद है। तू समरथ है, तू पूरन है। पूरन दा मतलब है हर थां विराजमान, किदे अधूरा नहीं, तेनू किसे रूप च भी अधूरा नहीं देखा जा सकता। हे प्रभु जे तू दानी है तो पूरा दानी है, ये सूरज विच है ते पूरा जाहो जलाल विच है, जे चंद्रमे च रिफ्लैक्ट हो रहे हैं ते पूरा शांत है, बर्फ विच पूरा ठंडा है, अग्नि विच पूरा गर्म है, हवा विच पूरे वेग वाला है, ते सतसंगत विच तेरे ठहरा नू महसूस किया जा सकता है। तू सब जगह पूरा है, शरीर भी पूरा बनाया, जे नाखून भी बनाया तो पूरा बनाया, अद्धा थोड़ी बनाया। ते नाखून दी गल तां की करिए, शरीर दी गल तां की करिए। हे करता पुरख जे तू एक रोम भी बनाया है तो हे प्रभु तू पूरा बनाया, अधूरा नहीं बनाया, क्योंकि तू पूरा है, तू सब जगह पूरा है। पूरे का किया सब किस पूरा, घट वध किस नाहीं। फिर करना की है, साहब कहंदे ने
उस पूरे दे गुण गाने ने, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका ना, फिर की होवेगा, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। ए तरीका है उस पूरन नाल मिलन दा, जेड़ा समरत है, पूरन है, सदीवी है, ते डोलदा नहीं। सड़े इंद्रियां दी पहुंच तो दूर है, अपरम अपार है जेड़ा करता पुरख। बिनवंत नानक तार कृपा, मिलहु प्राण प्यारे। हे प्रभु, मैं अपने बल नाल, समर्था नाल, या जप तप नाल, या दान आदिक नाल तेनू नहीं मिल सकदा, तू मेर कर, बख्शिश कर, तेरे नाल मिलना होवे। जप तप वरत कीने, देखन को चरना राम। बड़े जगत दे लोगां ने तेरा दीदार करन वास्ते, तेरे चरण कमलां नू देखन वास्ते बड़े जप तप व्रत दान इशनान आदक वड़े वड़े इस तरह दे कर्म कीते हन। तपत ना कतहे बुझे, बिन स्वामी सरना राम। पर फिर भी हिरदा तपदा ही रहा, क्योंकि होर कर्म कांड नाल खेड नहीं बनदी, ए तेरी चरण शरण भाव जपण नाल शांति मिलदी है। प्रभ शरण तेरी काट बेरी, संसार सागर तारी है। हे प्रभु, तू मेरिया बेड़ियां कट दे, जन्मा जन्मा दे कर्मा दियां, सुरत दे बंदियां, नाम ना जपण दियां, ए बेड़ियां कट दे, मैं तेरी चरण शरण विच आया हां। अनाथ निर्गुण कछ ना जाना, मेरा गुण अवगुण ना बिचारी। मैं निथावा हां, अवगुण नाल भरिया होया, मैनू कुछ समझ नहीं है। हे प्रभु, मेरे गुण अवगुण ना देख, अपने चरणी लगा ले। दीन दयाल गोपाल प्रीतम, समरथ कारण करना। तू निमाणिया ते दया करन वाला है, सारी समरथा दा मालक है, ते इस जगत दा मूल है। नानक चात्रिक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरणा। गुरु अर्जन देव कहंदे, हे प्रभु, जिवें चात्रिक पुकार पुकार के शांति बूंद मंगदा है ना पपीहा, इस तरह मैं पुकार पुकार के तेरे कोलो तेरा नाम मंगदा हां, अमृत जल पीण वास्ते, तेरे चरण कमलां नाल जुड़न लई। अम्मे सरोवरो पियो हर हर नामा राम। महाराज कहंदे, नाम अमृत दा सरोवर है। सरोवरो दा मतलब सोहना सरोवर, सजिया होया, भाग जगा देण वाला सरोवर। ऐ साडा सरोवर अमृत सर वी है, रोजाना आए दिन इत्थे प्रतख करामातां वरतदियां ने, भयानक रोगां नाल ग्रस्त लोग इत्थे आउंदे ने और इस पावन सरोवर च इशनान करके निरोग होके जांदे ने। एक पिंगलाई रजनी दा ठीक नहीं होया, करोड़ां पिंगले गुरु रामदास महाराज दे सरोवर च इशनान करके आए दिन ठीक होंदे ने, रोजाना ठीक होंदे ने। सिख दा सब तो वड्डा वैद गुरु रामदास। कोई दुख होवे, तकलीफ होवे, मैनू जद भी कोई कहंदा है ना ए रोग है, मैं कहना जप करो ठीक हो जाओ, चरण तोड़ लाओ ठीक हो जाओगे, पर शुकराना करन गुरु रामदास दे दरबार जरूर आना। रोज लोकी आंदे, किस किस दा नाम लवीए, ए अमृत सरोवर है और नाम भी अमृत सरोवर है। अमें सरोवरो पियो हर हर नामा राम, परमात्मा दा नाम जपना भी अमृत सरोवर च इशनान करना है जी। संत संग मिले, जप पूरन काम आम। बड़े प्राप्त होंदा है गुरमुखां दी संगत विच, ते जपण नाल सारे कार्य सफल हो जांदे हन जी। सब काम पूरन दुख बदीरन, सारे कम्मां नूं सफल करन वाला, ते बदीरन दा मतलब है दूर कर देण वाला, सारे दुखां नूं दूर कर देण वाला। हर निमक मन होना बीसरै, ऐसा परमात्मा दा जिहड़ा नाम है
सब सुखन को करता सब दुखन को हरता। एक निमेश आख दे पलक जितने समय भी सुरत तो लंबे ना होवे। आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जग दीसर जगत दीसर जगत दे ईश्वर मालक दा नाम आनंद देने वाला है। दिन रात सदीवी आनंद देने वाला सच्चा है मौजूद है ते सारे गुणा दा दाता है सारे गुणा दी बरकत चोली च पावन वाला है जी। अगणित ऊंच अपार ठाकुर आगम जा को तामा उस दे गुणा नू गिणिया नहीं जा सकता। अगणित ऊंच सड़ी समय तो उच्चा अप्रम अपार सारे जगत दा मालक ते उस दा टिकाना दसया नहीं जा सकता वे फलाने था भाव सब जगह है। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरना मिले श्री रंग रामा। श्री रंग माया दा मालक दौलतां दा मालक धन दा मालक खजानिया दा मालक मैनू हुण मिलिया है मेरिया सब इच्छा पूरिया हो गईया। कई कोटिक जग फला सुन गावन हरे राम। जेड़ा मनुख पुराने समयां च यज्ञ दा बड़ा महत्व रहा है अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ होर यज्ञ चलदे रहे उन्हां दा बड़ा महत्व है। महाराज सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने कलयुग दे समय विच जेड़ा अमृत वेले जाग के वाहिगुरु जपदा है ते सुनदा है गाउंदा है बाणी ते सुनदा है उसनों रोज करोड़ा ही यज्ञां दा फल मिल जांदा है। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम ते नाम दी बरकत सदका आप भी तरदा है ते सारियां कुलां भी अपनियां तार लैंदा है। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ता की महिमा कित गना। महाराज कहंदे ने जेड़े नाम जपदे ने ओ शोभा योग हो जांदे ने सुहावणे हो जांदे ने उहनां दे हर तरह दे कम सफल हो जांदे घर बार सोहणे हो जांदे आचार सोहणा हो जांदा है बोल चाल लब्बो लहजा तहजीबो तमद्दम सब सोहणा हो जांदा क्योंकि नाम जपण तो बिना कोई सुहावणा हो ही नहीं सकदा। हर नाम जपद सोहंत प्राणी ते जेड़ा नाम जपदा है ताकि महिमा कित गना। महाराज कहंदे किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। हे प्रभु तेरा मेरे नाल सदा ही याद दा नाता बने आ रहे कदी विछोड़ा ना पवे मेरे मन विच तेरा चिंतन चलदा रहे। शुभ दिवस आए गहे कंठ लाए प्रभ ऊच अगम अपारे। फिर जपदयां जपदयां वो शुभ दिहाड़ा आ जांदा केड़ा दिहाड़ा अशुभ है लोकी कह देंदे जी मंगलवार बड़ा अशुभ है शनिवार नू ऐ ना करयो बुधवार नू कोई कहंदा दही ना खायो हद हो गई ठीक है सारा हफ्ता कख भी ना खाओ देखो बच जांदे। जे कोई कहंदा दिन अशुभ है तां इहदा मतलब कहंदा परमात्मा ही अशुभ है जिन्हें भैड़ा दिन बनाया। जे परमात्मा भैड़ा है तां ही दिन भैड़ा होया जे परमात्मा चंगा है तां दिन कदों भैड़ा होवेगा। हाँ जिंदगी विच सब तो महान दिन ओ होंदा है शुभ दिवस आए महाराज जिया दे बोल ने गए कंठ लाए जदों जपद्या जपद्या प्रभु नाल गलवकड़ी पै जांदी है लीनता हो जांदी है प्रभु ऊच अगम अपारे फिर पता चलदा है उस वर्गा होर कोई नहीं हैगा। बिनवंत नानक सफल सब किछ वाह प्रभ मिले अत प्यारे। महाराज कहंदे फिर ओहदा सब कुछ ही सफल राजे जनक दा राज भी सफल भाई मरदाना जी दा गाउणा भी सफल भाई लालो जी दी किरत भी सफल उसदा सब कुछ सफल हो जांदा है। मैं अर्ज करा जेड़ा परमात्मा दे नाम नाल जुड़ जांदा है
जिसनों प्रभु का मेल हो जाता है, गुरु बाबा मेहर भरिया हाथ सारिया के सिर ते रख के निवाजन, कल की हाजरी होर आप जी के चरण कमलों च भरांगे, फिर आप तो विदा लवेंगे। आओ मिल के इन आखिरी दो पंक्तियां का पाठ सारे बुलंद आवाज विच ते प्यार च भिज के करन दा यतन करिए, फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। भुला चुकां दी खिमा जरूर निमाणे सेवकां दी झोली च पा देना। आओ जी, हाँ जी। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊच अगम अपार, बिनवंत नानक सफल सब किस, प्रभु मिले अत प्यारे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।